हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी पार्क जैसी चॉकलेट घर पे ही बहुत ही आसानी से और बहुत ही सस्ते में ये बन जाते हैं। तो आपको ये रेसिपी पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं फास्ट एंड नोटिफिकेशन अपडेट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी और देखते हैं कैसे बनती है सबकी फेवरेट पार्क चॉकलेट। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है डार्क कंपाउंड चॉकलेट 250 ग्राम और इनको मैंने बहुत ही बारीकी से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इससे इसे मेल्ट करने में बहुत ही आसान होती है। तो अब क्या करेंगे, एक पैन पर मैंने पानी गर्म कर लिया है और इसे डबल बॉइलिंग मेथड में बॉईल कर लेंगे। तो ऐसे प्लास्टिक या फिर सिलिकॉन की स्पैचुला यूज़ करें इसको चलाने के लिए। यहाँ पर वुडन स्पैचुला का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और इस बात का भी ध्यान रखें कि कहीं पर भी थोड़ी सी भी पानी ना हो, यानी कि एक बूंद भी पानी यहाँ पर ना हो, इस बात का ध्यान रखें। चाहे तो स्टील की चम्मच या फिर कच्छी का इस्तेमाल करें, लेकिन एकदम से सुखाए हुए, और इसको लगातार ऐसे चलाते रहें ताकि ये जल्दी जल्दी मेल्ट हो जाए। तो ये मेल्ट हो चुके हैं, अब इसको यहाँ से निकाल के साइड में रख देंगे और रूम टेम्परेचर पे पूरी तरह से ठंडा कर देंगे। और इसके सिवा हमें चाहिए वेफर, यहाँ पर मैंने वैनिला वेफर लिया है। तो पहले इसको खोल लेंगे, इसका रैपर रिमूव करके निकाल लेंगे। वैसे भी इसको घर में बनाना इतना आसान नहीं होता है, काफ़ी सारे मशीन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सबसे आसान ये होता है कि इसे हम बाहर से ख़रीद के लाएं, और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होते हैं। 20 से 25 रुपए में इसका 10 पीस हमें मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे वेफर्स है एक पैकेट के अंदर, और इसे अभी एक मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे। और यहाँ पर एक ट्रे पर मैंने एल्युमिनियम फॉयल लगा लिया है ताकि चॉकलेट को हम आसानी से निकल पाए, और इसको ऐसे चारों ओर से सील कर दिया है ताकि ये ज़्यादा ना हिले। चॉकलेट यहाँ पर पूरी तरह से ठंडा हो चुके हैं। अब एक एक करके वेफर लेंगे और इसे चॉकलेट के अंदर ऐसे डीप कर लेंगे। और फिर इसको ऐसे निकाल के कुछ देर वेट करेंगे ताकि इसका जो एक्सेस चॉकलेट है वो निकल जाए, और फिर इसको उठाकर ऐसे फॉइल के ऊपर डालते जाएंगे। जितने भी सारे हैं सारी वेफर्स को सेम प्रोसेस में बना लेंगे। थोड़ी देर इंतज़ार करें ताकि एक्सेस जो चॉकलेट है वो निकल जाए, नहीं तो चॉकलेट ट्रे में पूरी तरह से फैल जाते हैं। तो ये सारे मैंने तैयार कर लिया है, चॉकलेट से कोट कर लिया है। अब इनको फ्रीज में 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे पूरी तरह से सेट होने के लिए। तो 15 मिनट के बाद ये कुछ ऐसे दिखते हैं, इसे बहुत ही आसानी से निकाले जा सकते हैं, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए। और ये तैयार हो गए हैं पार्क जैसी चॉकलेट घर पर ही। तो अब क्या करेंगे, सारे चॉकलेट्स को निकाल के एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख देंगे। तो लीजिए, तैयार हो गए हैं पार्क जैसी चॉकलेट, इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें, सबको बहुत ही पसंद आते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। आशा करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।